करण जौहर की फिल्म दिल है मुश्किल आराम से रिलीज हो पाएगी या नहीं, ये सवाल आजकल हर किसी की जुबान पर है और इसकी वजह सिर्फ एक ही है, फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की मौजूदगी। दरअसल उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकार निशाने पर आ गए। इसके अलावा करण जौहर की परेशानी और बढ़ाने के लिए अब सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य भी पीछे नहीं रहे। जी हाँ, सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। अब उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है बॉलीवुड के डायरेक्टर करण जौहर पर। उन्होंने करण जौहर को पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की महबूबा करार दिया है। अभिजीत ने करण जौहर को टैग करते हुए ट्वीट किया, एक और लव जिहाद, महबूबा करण जौहर डिप्रेशन में, क्योंकि पाक प्रेमी फवाद ने बेचारी मिसेस करण जौहर को धोखा दे दिया है। अभिजीत ने ट्वीट उस खबर के जवाब में किया है जिसमें करण जौहर ने कहा है कि उनके आने वाले फेमस शो कॉफी विद करण के पहले एपिसोड के गेस्ट फवाद खान नहीं होंगे। बता दें कि खबर थी कि फवाद खान एमएनएस पार्टी की धमकी के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में इस खबर को गलत बताया गया कि फवाद खान एमएनएस पार्टी की धमकी के बाद नहीं बल्कि जुलाई से ही वो भारत में नहीं है। खबर ये भी सुनने को मिली कि फवाद ने बॉलीवुड के खिलाफ कुछ बयान दिए हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक फवाद ना तो जुलाई से भारत में है और ना ही उन्होंने मीडिया से इस बारे में किसी तरह की बातचीत की है।